The internet is full of bro science fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So welcome everyone. Namaskar, adaab, satsrikaal. Main hu, Dr. Paramjeet, Dr. Education. So baat cheet hai aaj ki slipped, slipped disc ke यो डिस्क जो है स्लिप कैसे होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही खूंखार और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको नहीं पता होगी बट ऑब्वियस सो पास इन योर स्वीट बेल्ट एंड लेट स्टार्ट द सेशन सो वॉट इज स्लिप डिस्क एक हर्निएटेड डिस्क को स्लिप डिस्क बोलते हैं हर्निएटेड हर्निया मतलब अपनी जगह से बाहर आ जाने वाली डिस्क मतलब एक रबर जैसा कुशन होता है जिसको डिस्क बोलते हैं जो कि आपके पीठ में रीढ़ की हड्डियों के इंडिविजुअल हड्डियों के बीच में होता है सो so एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी उसके बीच में होता है कुशन उसको बोलते हैं डिस्क और वो स्पाइन को स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक स्पाइनल डिस्क बोलते हैं स्पाइनल डिस्क सॉफ्ट जेली के जैसा उसका सेंटर होता है न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं और आसपास में में इनकेस उसको केस किया जाता है टफ रबर जैसे एन्यूलस जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट बाहर का पार्ट एन्यूलस बोलते हैं इस आ, इसको फिर हम स्लिप डिस्क या सॉरी इसको हम डिस्क बोलते हैं स्पाइनल डिस्क अगर ये स्पाइनल डिस्क ये डिस्क रप्चर हो जाए फट जाए तो डिस्क बोलते हैं या ये डिस्क अपनी जगह से थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो इसे स्लिप डिस्क बोलते हैं राइट right. <coughs> आगे पीछे होना मतलब ऑब्वियसली एक तरफ एक तरफ जाना ही पॉसिबल होता है उसका पीछे की तरफ सो so, पीछे की तरफ उसका आगे चले जाना उसको हम हर्निया बोलते हैं जब वो गैप साइड से निकलने शुरू हो जाती है तो ये हर्निएटेड डिस्क हो जाती है तो <coughs> मतलब न्यूक्लियस जो है ये अपने जो एन्यलस है उसके ऑब्वियसली चीज है एक कवरेज है कवरेज के एनुअलस में थोड़ा बहुत टीयर होता है फट सा जाता है तो न्यूक्लियस बाहर आने लगता है और वो डिस्क बाहर आने लगता है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ हर्निएटेड डिस्क अ स्लिप डिस्क विच कैन ऑकर एनी इन एनी पार्ट ऑफ द स्पाइन आपके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी पार्ट में स्लिप डिस्क हो सकता है बिना किसी और ये प्रॉब्लम कर सकता है कैन आई एक्चुअली इरिटेट क्या कि हर एक हड्डी में आपकी रीढ़ की हड्डी में हर एक लेवल पे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं नर्व्स जाती हैं पूरी बॉडी को गर्दन वाली से हाथ को जाती है छाती वाली से पेट को जाती है लोअर बैक वाली से पैर को जाती है तो जहां पर भी जो भी लेवल पे डिस्क बाहर हर्निएट होगी वो उस स्पाइनल नर्व को दबा सकती है सो so अगर वो नर्व दबेगी अगर वो नर्व दबेगी तो आपको हो जाएगा दर्द पेन नमनेस सुनपना कई बार वो हिस्सा काम करना कम कर देता है तो वीकनेस आने लगती है हाथों पैरों में सो दिस इज दिस इज द बीमारी स्लिप डिस्क नस दबना नस दबती है तो बीमारियां आती है नमनेस पेन वीकनेस कई लोगों को इनिशियल स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिम्टम ना हो बिल्कुल सिम्टम ना हो और इस स्टेज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है हर बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है सो so, सिम्टम आएंगे तो क्या आएंगे ज्यादातर लोअर बैक में होता है ज्यादातर लोगों को लोअर बैक में होता है हर्निएटेड डिस्क और <coughs> वैसे कहीं पे भी नेक में भी हो सकता है साइन एंड सिम्टम डिपेंड करता है डिस्क के सिचुएशन पे हर एक लेवल पे अलग नस निकल रही है अलग जगह सप्लाई हो रहा है तो जिस लेवल का नस दबेगी उस लेवल के सिम्टम्स आने लगेंगे अगर वो पैर को जाने वाला है बाहर की तरफ तो बाहर सुन पाना बाहर दर्द आएगा अंदर की तरफ तो अंदर सुन पाना अंदर दर्द आएगा अगर वहां पर यूरिनरी ब्लैडर को जाने वाली नस दबेगी तो ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगा अगर हाथ को जाने वाली नस है तो आर्म और लेग बेसिक चीज है हाथों में या पैरों में दर्द <coughs> हो सकता है so, सो हाथों में दर्द होगा या पैरों में दर्द होगा आपके पेन या तो सिर्फ फुट पे होगा या तो पूरे पैर में होगा या पूरा का पूरा शियाटी का जैसा पेन हो सकता है श्याटी का मतलब पीठ से शुरू होता है और पूरा नीचे तक जाता है उसको शियाटी का बोलते हैं पेन हो सकता है या फिर नमनेस हो सकता है नमनस अलग अलग जगह हो सकता है जैसे हमने बताया नसों के इनर्वेशन वाले पार्ट में जिस पार्ट में नस सप्लाई हो रही है उस साइड में दर्द हो सकता है सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी एंड द लास्ट पार्सिबिलिटी इज वीकनेस वीकनेस हो सकता है अगर एक साइड की नस ज्यादा दबरी है तो वो साइड में ताकत ही ना आए वो पैर ही ना उठे या वो हाथ ही ना उठे वो कमजोर हो जाए या दूसरे वाले से ज्यादा कमजोर हो जाए ऐसी चीज हो सकती है यानी आप सामान उठाओगे तो इससे उठ रहा है इससे नहीं उठ रहा समथिंग लाइक दैट हैव अ हर्निएटेड डिस्क विदाउट एनी सिम्टम यू डोंट नीड टू बेसिकली आपको पता भी नहीं चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको डिस्क हर्निएटर है विदाउट एनी सिम्टम जब तक आपको कोई टिंगलिंग नमनेस कोई सिम्टम नहीं आएगा तो कायदा क्या बोलता है भी पहले तो पता करो ये होता क्यों है सिम्टम से पहले होता क्यों है कॉज इज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एजिंग रिलेटेड और प्रेशर रिलेटेड वेरेंटियर ऑफ डिस्क डिस्क डीजेरेशन राइट कई बार गलत तरीके से वजन उठाने से भी बहुत ज्यादा टेयरिंग प्रेशर आ जाता है रप्चर हो जाता है स्ट्रेन के वजह से राइट लेस, लेस फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है आपके डाइट से लाइफ चेंजेस से मोस्ट पीपल कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट की यही एक कारण है बट ये एक्चुअली समटाइम्स uh, uh, आपकी जो बैक मसल्स हैं उसको अगर बार बार यूज कर रहे हो आप सामान उठाने के लिए ना वट डज दैट मीन मतलब जब सामान उठा रहे हो तो घुटने मोड़ने की जगह सिर्फ हिप जो है हिप सिर्फ कमर झुका के सामान उठाते हो कमर झुका के सामान उठाते हो तो दैट कैन लीड टू ट्विस्टिंग टर्निंग लिफ्टिंग कैन लीड टू डिस्क हर्निएशन वहां पे दिक्कत हो सकती है तो so, घुटने मोड़ के सामान उठाना होता है कायदा कहता है यू नीड टू स्क्वाट डोंट डू अ डेड लिफ्ट अनलेस यू नो द पोस्चर राइट हर जगह सामान उठाने के लिए डेड लिफ्ट नहीं करनी होती है इफ यू नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट सो दैट इज वन थिंग जो गलत तरीके से झुकना उम्र के साथ खराब होना और क्या फैक्टर है वजन एक्स्ट्रा बॉडी वेट होगा तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा लोअर बैक पे झुकेंगे हर बार में वैसे ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ऑक्यूपेशन अगर आपका फिजिकली डिमांडिंग जॉब है बहुत सामान उठाना पड़ता है वजन उठाना पड़ता है या लिफ्टिंग है पुलिंग है पुशिंग है बेंडिंग है साइडवेज है ट्विस्टिंग है कोई ऐसा काम है तो आपके डिस्क पे ज्यादा जोर पड़ेगा कुछ जेनेटिक कंपोनेंट भी है कि भाई हाँ प्रीडिस्पोजिशन है फैमिली में सबको डिस्कर्निएशन होता है हमको भी होता है तो जी हाँ डिस्कर्निएशन का फैमिली जेनेटिक प्री हो सकता है और भाई साहब एक बहुत बड़ा कारण है उसको बोलते हैं स्मोकिंग स्मोकिंग यस स्मोकिंग ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है लिटरली हर पार्ट को बॉडी में इसीलिए उंगलियों में भी कभी कभी ऐसी क्लबिंग आने लगती है क्लबिंग क्या है फोटो देख लो और इंटरनेट पे वरना यहाँ पे यह बात हो रही है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है डिस्क और डिस्क और बिग जो है टूटने लगती है डीजनरेट होने लगती है उम्र के साथ जो दसो बीसों साल बाद आनी चाहिए थी बीमारी पहले आने लगती है सो स्मोकिंग जेनेटिक्स ऑक्यूपेशन वेट गलत तरीके से झुकना और उम्र दैट्स द कॉज नहीं ठीक किया आपने दर्द हो रहा है छोड़ो सबको होता है थोड़ा दर्द से क्या होता है सामान भी उठाएंगे वजन भी उठाएंगे ऐसी तैसी तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर वेस्ट या आपके स्पाइनल uh, कॉर्ड जो है यहां तक एंड होती है अगर वहीं कहीं पर भी हमारे को बात कर रहे हैं नर्व रूट्स आते हैं तो पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नस पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है ज्यादातर केसेस में नसों के कोई ना कोई रूट दबते हैं राइट right? और ऐसे केसेस में सिम्टम्स बढ़ सकते हैं आपका पेन नमनेस वीकनेस बढ़ सकता है कॉम्प्लिकेशंस में ब्लैडर और बॉवल मतलब ब्लैडर यानी पिशाब में और लैटरिन में प्रॉब्लम आ सकता है अगर खासकर एक नीचे का पार्ट होता है सबसे नीचे क्वाडा इक्विना कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट वो दब जाए वहां पे इश्यू हो जाए तो वहां इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा पेशाब कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा लैट्रिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगी डिफिकल्टी यूरिन ऑन अ फुल ब्लैडर ऐसी चीजें आने लगेगी एक चीज और है सैडल दैट इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ एरियाज विच वुड बी वेन यू वुड टच अ सैडल बेसिकली इनर थाइज बैक ऑफ द लेग्स आपके एरियाज अराउंड द रेक्टम

पोस्चर इज द की मैंटेन गुड पोस्टर रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन योर माइंड डिस्क के ऊपर स्ट्रेस कम रखता है कीप योर बैक स्ट्रेट एंड अ लाइन पर्टिकुलरली जब आप बैठ रहे हो उठ रहे हो लिफ्टिंग कर रहे हो वट एवर यूर डुइंग कीप योर बैक स्ट्रेट बैंड नहीं होनी चाहिए बैक बैंड नहीं होनी चाहिए बैक ऐसे नहीं होनी चाहिए स्ट्रेट बैक के साथ झुको दिस इज दईडिया मेंटेन अ हेल्थी वेट क्विट स्मोकिंग दिस इज द प्रिवेंशन एंड देन कमिंग ऑन टू द डायग्नोस्टिस एंड ट्रीटमेंट भैया देखो स्लिप डिस्क है सो so, एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि डॉक्टर आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि आपके रिफ्लेक्सेस आपके मसल स्ट्रेंथ वॉकिंग एबिलिटी एबिलिटी टू टच योर फीट प्रिकल वाइब्रेशंस ये सब देखेंगे लेकिन ज्यादातर केसेस में एक एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई या माइलोग्राम की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि कौन सी नस कहां कहां दब रही है एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई माइलोग्राम माइलोग्राम मतलब स्पाइनल कॉर्ड uh, को देखा जाता है लिटरली इसके अलावा नर्व टेस्ट होते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी इलेक्ट्रोमायोग्राफी इनसे कन्फर्म किया जा सकता है और ट्रीटमेंट पहला ट्रीटमेंट है पेन किलर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस फिजियोथेरेपी ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन है टाइनोनॉल पैरासिटामोल ब्रोफिन आइपोप्रोफिन एप्रोक्सिन नहीं हुआ तो कॉर्टेसॉन इंजेक्शन स्टीरोड इंजेक्शन लगा सकते हैं वहां पर मसल रिलैक्स ले सकते हैं बहुत पेन होता, होता है भैया बहुत पेन होता है फिर आपको प्योइड जैसे खतरनाक पेन किलर्स भी लेने पड़ सकते हैं सबसे खतरनाक पेन किलर और अल्टीमेटली अगर दिक्कत नहीं ठीक हो रही है बढ़ती जा रही है तो फिर ऑपरेशन ऑपरेशन सर्जरी अपने आप में उसका डिस्क का ऑपरेशन। कंट्रोल पे, वीकनेस, डिफिकल्टी वॉकिंग स्टैंडिंग लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल बॉबल कंट्रोल ऐसे कोई भी सिम्टम है तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाएगी ऑपरेशन हर केस में जरूरत नहीं पड़ती है जब भी ऑपरेशन होता है सर्जन क्या करता है जो डिस्क का हिस्सा बाहर आ रहा है

कुछ मेटल uh, हार्डवेयर uh, भी लगाया जा सकता है अंदर रेयरली कई आर्टिफिशियल डिस्क लगाने की जरूरत पड़ सकती है तो ये सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के आई होप दिस थिंग आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस पोस्टर पे ध्यान दो वीडियो शेयर करो आज योर क्वेश्चंस शेयर और लाइक करो बगैर नहीं जाने ओके बाय okay?